हेलो प्यारे बच्चों, मैं करमवीर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज देखिए, रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। उससे पहले मेरी तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स क्या होती है? ये ए वैक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो डॉट प्रोडक्ट को कैसे, फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है भाई, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, या फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है? कॉस थीटा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो आपका एंगल होता है थीटा, ठीक है। तो यहां से इसी प्रकार से वही थीटा एंगल जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट भी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा एन कैप, ठीक है भाई। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। और इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो क्या आ जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा, ठीक है भाई। तो एन कैप यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड वन हो जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला आपका ये बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो क्रॉस प्रोडक्ट ये यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है भाई। तो देखिए, हम रिलेशनशिप बिटवीन ए डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अब देखिए, एज वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब करते हैं स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, करिए स्केयरिंग। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्केयर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है भाई। दोनों साइड स्क्वायर किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। ये आइडेंटिटी आपने जो है 10th क्लास में पढ़ी होगी, क्या थी? साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू वन, इसी से हमने ये वैल्यू निकाली है। तो बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्केयर इक्वल टू क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर, ठीक है भाई। वन से मल्टीप्लाई होगा, आगे क्या जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर, कॉस स्क्वेयर थीटा। तो बच्चे देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वेयर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वेयर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वेयर। यहाँ से देखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा, इसका मैंने कंबाइंड स्क्वेयर लगा दिया है। बच्चे ये वैल्यू किसकी है? देखना यहाँ से, ये रही ए डॉट बी की वैल्यू, ये लगा देंगे हम यहाँ पे, तो क्या आएगा? ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वेयर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वेयर, और यहाँ माइनस में ये वैल्यू किसकी आई है? ए डॉट बी की, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है भाई। ये आपका एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ठीक है। इनमें से कोई तीन रिजल्ट देगा और आपसे कोई एक रिजल्ट पूछेगा, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी दे देगा, इसकी दे देगा, और आपको इसकी वैल्यू पूछेगा। हो सकता है इन दोनों की और इसकी वैल्यू दे दे और इसकी वैल्यू पूछे आपसे। देखिए, इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। आई थिंक आपको ये रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय। एक बार फिर मेरी तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय।